चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। कोविड-19 में बीमा की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं और मिड डे मील को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए था, इसके बारे में जो सुझाव दिए गए हैं उन सभी पहलुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को सौंपी है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, समिति ने NDMA में एक अलग विंग के गठन की सिफारिश की है। कथन दो, समिति ने निजी अस्पतालों पर चेक और नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अधिमानतः एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की सिफारिश की है। उपरोक्त में सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने। यह चर्चा में क्यों है? गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महामारी के समय निजी अस्पतालों पर जांच और नियंत्रण रखने और दवाओं के काले विपणन पर अंकुश लगाने के लिए उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के साथ एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम होना चाहिए। यह रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को सौंपी गई है। रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित बेड की कई कथित घटनाएं हुई है। समिति निजी अस्पतालों पर चेक और नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अधिमानतः एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की सिफारिश करती है। इसमें कहा गया है कि दवाओं और दवाओं के उत्पादन मानकीकरण की कालाबाजारी पर रोक लगाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित बेड की कई कथित घटनाएं हुई है। समिति निजी अस्पतालों पर चेक और नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अधिमानतः एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की सिफारिश करती है। इसमें कहा गया है कि दवाओं और दवाओं के उत्पाद मानकीकरण की कालाबाजारी पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसने उन दवाओं पर प्रारंभिक भ्रम को चिन्हित किया जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण को रोकने में मदद की और उन्हें इस दौरान उच्च दरों पर कैसे बेचा गया। यह सुझाव दिया गया है कि लोगों को घबराहट और महंगी दवाओं पर भारी मात्रा में धन खर्च करने से रोकने के लिए सस्ती और प्रभावी पुनर्निर्मित दवाओं पर जागरूकता अभियान चलाकर सरकार को सक्रिय होना चाहिए। लोगों को जागरूक करने और उनके साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के लिए महामारी के समय सामाजिक कलंक और अकेलेपन, क्वारंटाइन के डर से बचने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इस रिपोर्ट में कोविड-19 के समय बीमा की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है? निजी अस्पतालों द्वारा लिए गए बड़े बिलों के साथ कई लोगों को ज्यादा भुगतान करना पड़ा। बीमा दावों को स्वीकार करने से इनकार करने से रोकने के लिए देश में काम करने वाले सभी अस्पतालों पर विनियामक निगरानी रखने की आवश्यकता है। समिति ने कहा कि बीमा कवरेज वाले सभी लोगों के लिए कोविड-19 उपचार को कैशलेस बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। इस दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ और इस पर समिति ने क्या सुझाव दिए? आर्थिक मोर्चे पर समिति ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन कई योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया गया है। समिति का मानना है कि इनमें से कुछ योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। किसानों, गैर कॉरपोरेट और
गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरियों में भारी नुकसान और लॉकडाउन के कारण आय में गिरावट के कारण खपत में भारी कमी आई थी। 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23% की नकारात्मक वृद्धि होने के बाद विशेष रूप से इसे संशोधित करने में कुछ समय लगेगा। रिकवरी का समर्थन करने और विशेष रूप से एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्र के लिए इस आर्थिक पुनरुद्धार को बनाए रखने के लिए अधिक हस्तक्षेप और योजनाओं की आवश्यकता थी। रिपोर्ट में मिड डे मील के बारे में क्या कहा गया? समिति ने चिंता व्यक्त की कि 9 महीने से अधिक समय तक स्कूल बंद रहने से कई बच्चे मिड डे मील से वंचित रह गए। कई राज्यों ने अपने घरों पर छात्रों को सूखा राशन पहुंचाने या उन्हें भत्ते देने की योजना जारी रखी, लेकिन यह एक समान नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ राज्य सरकारों के साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन समय पर राशन भत्ते वितरित कर रहे हैं और इसे तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि स्कूल फिर से ना खुल जाए। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। आज की वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।